गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग की लेक्चर सीरीज चल रही है इकोनॉमिक सर्वे की, ये इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज थर्ड है। इसके पहले लेक्चर टू में मैंने एनर्जी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कंप्लीट किया है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास। इसमें फर्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात सामाजिक अवसंरचना, रोजगार मींस एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का एक तरह से आप पार्ट बोल सकते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट को। बट ह्यूमन डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे फैक्टर आते हैं, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं। इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, इसमें मैंने जैसे अंडरलाइन किया हुआ है आप उसको देख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप उसको देखिए। इसमें फर्स्ट हाईलाइट है कि सरकार मानव संसाधन पर व्यय भी बढ़ाती है और साथ ही योजनाओं का विलय करके व्यय की कार्य क्षमता को बढ़ाने का उपाय कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका सबसे पहला मतलब है कि सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करती है, खर्चा करती है, और सरकार अपने भी खर्चे बचाना चाहती है, इसलिए वो योजनाओं को मिला देती है। लाइक पिछले कुछ सालों में जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बहुत सारी योजनाएं जो चल रही थी उनका मर्ज कर दिया गया है और बहुत सारी योजनाओं का नाम बदल दिया गया है। तो एक इसका एग्जांपल ही है, ठीक है। दूसरा हाईलाइट है इसमें कि आजीविका प्रदान करने के लिए विधायी सुधार तथा श्रम सुधार के अनेक उपाय लागू किए जा रहे हैं। यहाँ पे अस्थायी आजीविका की बात है। स्थायी आजीविका मीन्स परमानेंट लोगों को रोजगार मिल जाए, इसके लिए सरकार चेंजेस कर रही है। तो आपको जानना होगा इसमें सरकार चेंजेस क्या कर रही है। सरकार ने लेबर लॉ में चेंज किया है, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम में भी चेंज किया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था, उसको 26 मंथ कर दिया गया, 26 वीक कर दिया गया है, मीन्स 6 मंथ। और उसके बाद लेबर लॉ में चेंज कर दिया गया, जिससे लेबर का जो लेबर कंपनियों जो भी कंपनियों में इंस्पेक्शन होता था, लेबर इंस्पेक्टर आते थे, उसमें कम से कम इंटरफेरेंस होगा। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, डिजिटलाइजेशन कर रही है। तो ये सब करके सरकार परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा सरकार का मानना है इकोनॉमिक सर्वे में। अब कितना सही और कितना गलत उसका एनालिसिस हम आगे कर लेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस में यही कि सरकार इसमें बोल रही है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रही है। तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा ही सरकार को पहले बदलनी चाहिए। दूसरा, जो कंपनियों में रोजगार मिल जाता है, अब लेबर इंस्पेक्टर के अगर विजिट वहां पे नहीं होंगे तो हो सकता है कि कंपनी अपनी मनमानी करने लगे। तो ये काफी कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, हमको एक बैलेंस आंसर लिखना है। लेकिन सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि सरकार कर रही है, तो सरकार कर रही है, हमको यही मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो लास्ट देखिए, शिक्षा कौशल विकास रोजगार आमदनी में स्त्रियों से जुड़े अनानुपातिक अंतरालों को पाटना और समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता को कम करना मानव सामर्थ्य को संवर्धित करने की विकास परक कार्य नीति के मूल क्षेत्र रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले सेक्शन की, ये सेक्शन, ठीक है। अब इसमें सरकार ने बोला है कि जो जेंडर गैप है उसको कम करना है, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना है, और जो समाज में एक विषमता फैली हुई है उसको खत्म करना है, ठीक है। अब वन बाय वन चालू करते हैं। सरकार के लिए प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं? सोशल स्कीम में सरकार के लिए प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य, ये तीन सरकार के प्रायोरिटी सेक्टर है। मीन्स एजुकेशन,
स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ सरकार की प्राइवेटी सेक्टर बने रहेंगे, आगे सरकार ने ये भी बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन पे आते हैं। अब सरकार ने एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ की बात की है, तो एजुकेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले सरकार सर्वजन शिक्षा की बात करती है, तो सरकार ने सर्वजन शिक्षा के लिए साक्षर भारत मिशन जैसे कुछ स्कीम चलाए हैं, उसके बारे में सरकार ने इसमें बात की है। लेकिन सरकार जो एग्जैक्ट डेफिनेशन देती है वो क्या बोल रही है कि समाज की सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने, मतलब यहाँ पे देख रहे आजीवन शिक्षा प्राप्ति, क्या जिंदगी भर लोग शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे? वैसे तो जिंदगी एक शिक्षा का नाम है आप बोल सकते हैं, लेकिन आप पूरी लाइफ तो एजुकेशन का नहीं कर सकते। आपको एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, तो डेफिनेशन जो है इसी पे सवाल थोड़े उभरते हैं। दूसरा, ये एजुकेशन का जो सरकार ने डेफिनेशन दिया है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में चौथे नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, इसके लिए आपको मेरा कल का वीडियो देखना पड़ेगा, मींस लेक्चर 2। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 टारगेट और 169 ऑब्जेक्टिव हैं। उस 17 में से फोर्थ नंबर पे ये है कि समाज की सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने के मामले में। ठीक है, बढ़ावा देना, आजीवन शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने, ठीक है, ये है। दूसरा, सरकार ने जो RTE और जो 2010 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो लेके आई थी, उसके बारे में सरकार ने बात किया है। और वो करता क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ठीक है, ओनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुफ्त और अनिवार्य दाखिला, फ्री एंड कंपल्सरी एनरोलमेंट, ठीक है, उपस्थिति प्रेजेंटी एंड प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का हक देता है। तो RTE 2009 का इंपॉर्टेंस क्या है, आप इस लास्ट वाली लाइन से पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कि 6 to 14 ईयर के सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए एडमिशन मिल जाए और वहां पे वो प्रेजेंटी उनको, मतलब क्लासरूम बाकी सब के लिए कंफर्टेबल मिल जाए, ये सरकार का कोशिश रहता है, क्योंकि RTE 2009 में ऐसा लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ग्राफ एंड चार्ट हैं, आप इसको चार्ट को देख सकते हैं, जो कि एजुकेशन जो रिसर्चर रहते हैं उनके लिए है, हमारे लिए इसमें कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए एक चार्ट है कि पेरेंट्स टीचर एजुकेशन और टीचर्स स्टूडेंट रेशियो, ये सब के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। तो इसके लिए सरकार ने ये चार्ट दिया है कि 2009 और 10 में क्या था और 2015 और 16 में क्या है। तो सबसे ज़्यादा हम पहले सबसे लंबी लाइन जो है बिहार, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बिहार में देखिए स्टूडेंट क्लास रेशियो का मींस एक क्लास में 30 स्टूडेंट से ज्यादा बैठते थे, तो बिहार में तो 70 और 80 की रेंज में 2009 में, 9 और 10 में था, वो आया है कुछ 60 to 70 की रेंज में। ठीक है, और ऑल इंडिया का अगर हम लोग एवरेज देखें तो कुछ यहाँ पे आएगा कि 40 to 50 के बीच में पहले था, जो कि अब 30 तक आया है। ठीक है, और ये UDSI की रिपोर्ट है, ये सरकार इस चार्ट में बोलने की कोशिश कर रही है। चार्ट देख लीजिएगा, अगर कोई टाइम मिले तो देखिए, वैसे इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इंडिया का क्या है, सबसे खराब हालत किसकी है, सबसे अच्छी हालत किसकी है, तो सबसे अच्छी हालत आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की है, कि 0 से 10 के अंदर पहले था और अब और 0 से 10 के अंदर ही है, तो सबसे अच्छी हालत हिमाचल प्रदेश की है इस मामले में।
अगर किसी को छात्र कक्षा अनुपात क्या है वो नहीं पता है तो फिर बता दो कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट बैठते हैं वो बोला जाता है छात्र कक्षा अनुपात सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब आरटीई की बात वापस यहाँ पे की गई है। आरटीई अधिनियम के तहत केंद्रीय नियमावली में परिभाषित कक्षावार विषयवार अधिकम परिणामों को सम्मिलित करने के लिए इसे फरवरी 2017 में संशोधित किया गया है। मींस लेटेस्ट अमेंडमेंट है आईटी का, इसलिए इसको फोकस जरूर करना। प्रीलियम 2018 में बन सकता है, ठीक है, 17 में तो नहीं आया, 18 में जरूर बन सकता है। और क्या इसमें चेंजेस किए हैं कि कितनी कक्षाएं होंगी, कितने सब्जेक्ट किस स्टैंडर्ड में रहेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे होगा, ये सब उन्होंने चेंजेस किया है आरटी में, ठीक है। दूसरा क्या है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात इमारत और संरचना विद्यालय कार्य दिवसों शिक्षकों के कार्यों के घंटों से संबंधित मानक और मानदंड बनाए रखने तो मार्ग निर्देश निर्धारित करता है। मीन्स खाली एजुकेशन की बात नहीं करता है, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना हो, बिल्डिंग कैसी हो, बिल्डिंग में फैसिलिटी क्या हो, ये सब के बाद आरटी 2009 करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छात्र कक्षा अनुपात का डेफिनेशन दिया गया है एग्जैक्टली जो बुक वाइज रहता है, वैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि एक क्लास में जितने रहते हो टीचर से छात्र कक्षा अनुपात वही होता है स्टूडेंट क्लास रेशियो का, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। किसी दिए गए विद्यालय वर्ष में किसी विद्यालय में कक्षा के अनुसार छात्रों विद्यार्थियों की औसत संख्या के रूप में SCR को परिभाषित किया गया है। आई नो पूरा बाउंस हो गया है। सिंपल डेफिनेशन है कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट बैठते हैं वो, अब एक क्लास रहेगा तो एक साल, ठीक है, एक साल में एक क्लास में जितने बैठेंगे वो, मीन्स अगर आप 7th में पढ़ते हैं 7th में 30 स्टूडेंट होने चाहिए, वो पूरे 30 स्टूडेंट 7th में पूरे साल चलना चाहिए, ऐसा डेफिनेशन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा लैंग्वेज बहुत बड़ा चढ़ा के देता है, वैसे नहीं होना चाहिए। अब एक छात्र शिक्षक अनुपात की बात कर लें, टीचर स्टूडेंट रेशियो की प्राइमरी एजुकेशन में बोला गया है 30 छात्र पे एक टीचर होना चाहिए और हायर प्राइमरी मींस जो माध्यमिक बोलते हैं प्राइमरी और माध्यमिक बाद में उच्च माध्यमिक, ठीक है। तो अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें हायर प्राइमरी सेक्टर तो हम पे 35:1 मतलब 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर है तो उसको याद रखिएगा यहाँ पे। और देखते हैं कि अब टीचर्स लोग की रिक्रूटमेंट कौन करेगा, ये भी सवाल एक आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड ऑल, स्टेट गवर्नमेंट एंड एंड संघ राज्य क्षेत्र मीन्स यूटी यूनियन टेरिटरीज की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब सर्व शिक्षा अभियान की बात भी कर लें, सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये दोनों गवर्नमेंट की स्कीम है, ये दोनों स्कीमें भी चालू, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे है, इन दोनों स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे है, ठीक है। अब लैंगिक समानता सूचकांक की बात भी की गई है अर्थात GPI। GPI है क्या, मीन्स एक एक क्लास में कितने फीमेल और कितने मेल मीन्स कितने गर्ल और कितने बॉयज वहां पे बैठते हैं वो GPI है, वो इनरोलमेंट का है, ठीक है। तो GPI में अगेन बिहार वापस देखिए, ये छात्र कक्षा अनुपात का प्रतिशत दिया गया है, वापस वही चार्ट है तो उतना जरूरत नहीं इसको आप बार बार देखने का, ठीक है। तो GPI तो वो था, GPI मीन्स एक क्लास में कितने फीमेल कितने गर्ल कितने बॉयज बैठते हैं वो रेशियो था। अब उस GPI को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी
बचाव स्कीम चालू की है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला गया है, गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया इसमें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के जरिए किए जाने वाले सरकार के निरंतर प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के नामांकन पर जीपीआई में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। सरकार बस ये स्कीम का सहारा लेके ये बोलना चाहती है कि जीपीआई में इंप्रूवमेंट हुआ है। अब जीपीआई है क्या मैंने आपको बताया, ठीक है वो याद रखना। दूसरा, सरकार यहाँ पे ये भी बोलना चाहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के जीवन धारण रक्षण शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका मकसद मामले की गंभीरता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और सामाजिक मानसिकता बदलने पर लक्षित व्यापक अभियान के जरिए घटते शिशु लिंगानुपात को मामलों को निराक्रमण करना है, ठीक है। तो मकसद सिर्फ है जीपीआई इंप्रूव करना नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनको प्रोटेक्शन एजुकेशन सब मिल जाए, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मेन मकसद है, ठीक है। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आ गई और इकोनॉमिक सर्वे में बात किया गया तो बात बड़ी जरूरी हो जाती है। तो 2015 में बात किया गया, 2015 में महिला और बाल विकास स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास ये तीन मंत्रालय की योजना है। मीन्स वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तीन तीन मिनिस्ट्री मिलकर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रही हैं, ओके। अब इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए सरकार ने दो आप बोल सकते हैं कि प्रोग्राम या फिर अभियान चालू किए हैं। तो फर्स्ट है जागरूकता और हिमायत, ठीक है, ये दोनों स्कीम है। जागरूकता और हिमायत ये दोनों स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हैं। तो इस तरह एजुकेशन एंड जेंडर का चैप्टर जेंडर का पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं श्रम सुधार, मीन्स लेबर लॉ में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सरकार ने बात किया है कि चार श्रम संहिता मीन्स जो चार लेबर एक्ट थे उनमें सरकार ने चेंजेस किया है। फर्स्ट है वेजेस एक्ट मीन्स मजदूरी संहिता, दूसरा सुरक्षा और कार्य दक्षताएं संहिता मीन्स प्रोटेक्शन और वर्क जो भी कंडीशन वर्क कंडीशन उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, औद्योगिक संहिता मीन्स इंडस्ट्रियल एक्ट और सामाजिक सुरक्षा एंड कल्याण संहिता मीन्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, इस इन चार एक्ट में सरकार ने चेंज किया है। तो ये सरकार ने नाम दिया इसलिए बताना जरूरी था। और सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यहाँ पे श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए, मजदूरों के लिए। ये ऐप है, एक्चुअली ये ऐप है, आप उसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल वेबसाइट भी है ऐप भी है, ठीक है। और सरकार ने क्या किया है, सबको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया है, सार्वभौमिक खाता संख्या। या अगर एक जगह जॉब करते हैं उसको छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं तो आपका जो पीएफ जो पड़ता है वो उसी एक ही अकाउंट में जमा होगा, जैसे आप रिटायर होंगे मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जितने जगह गए उतनी जगह आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा पीएफ के लिए। और सरकार ने क्या किया है, जो बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार ने क्या किया वो देखते हैं, ठीक है। सरकार ने रोजगार तलाशने वालों के लिए रोजगार के ऑनलाइन पंजीकरण और तैनाती को शुक्र बनाने और कौशल विकास पाठ्यक्रमों तथा इंटर्नशिप के संबंध में करियर परामर्श व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना प्रदान करने के लिए देश के सभी रोजगार कार्यालयों को संबद्ध करके नेशनल करियर सर्विस का लॉन्च किया है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, सो अगेन ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए इस जो हाईलाइट पार्ट है इसको ज्यादा फोकस करना, ठीक है। कि सरकार ने नेशनल करियर सर्विस लॉन्च किया है वो तो पता ही होगा, लेकिन किस लिए लॉन्च किया है वो जरूरी है। रोजगार तलाशने वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए और उनको जॉब मिल जाए, उनको करियर रिगार्डिंग एडवाइस मिल जाए, इसलिए सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब आते हैं ईएसआई स्कीम। जो ईएसआई स्कीम
में जो मजदूर रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है, उनकी सैलरी से कुछ पैसे कटते रहते हैं, सरकार भी उतने पैसे देती है। फिर जो ईएसआई के हॉस्पिटल है, ईएसआई एक सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर चलता है, उस हॉस्पिटल में न सिर्फ उनके मजदूरों का, न सिर्फ मजदूरों का बल्कि उनके फैमिली वालों का भी इलाज फ्री में किया जाता है। और अगर कभी जैसे उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर और उनकी अगर जॉब पे डेथ हो गई तो उस कंडीशन में सरकार उनको मदद देती है। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो द पर्सन ऑफ जेंडर इक्विटी एंड अप्रिहल बैटल, ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ये ओईसीडी निकालता है। तो जितने भी ऐसे रिपोर्ट की बात इकोनॉमिक सर्वे की गई उनको जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है? ताकि कम से कम 2 मार्क्स तो पक्का ही रहे, और इकोनॉमिक सर्वे ऐसा है कि एक बहुत ज्यादा मार्क्स मिलता है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में करना पड़ता है। अब लेबर में पार्टिसिपेशन किसका है वो देखते हैं। तो जैसा कि पता है कि लेबर में फीमेल एंड मेल का पार्टिसिपेशन का रेशियो बहुत खराब है इंडिया में, ठीक है? तो इसमें बात की गई है कि आर्थिक कार्यकलापों में स्त्रियों की कम भागीदारी से अर्थव्यवस्था की संभावित समृद्धि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मीन्स वुमेन का कम पार्टिसिपेशन से जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट है इंडिया की, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने मनरेगा की यहाँ पे बात की है, और मनरेगा में उतना कुछ मुझे काम का नहीं लगा क्योंकि सिर्फ डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर है। और वुमेन को जॉब मिल जाए इसके लिए सरकार ने क्या स्कीम लॉन्च किया वो भी बात कर लेते हैं कि स्वरोजगारों के उद्यमों के सृजन की भावना के संवर्धन के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमियों की आकांक्षाएं और जरूरतें पूरी करने के लिए महिला ई हाट नामक एक पहल शुरू की गई है, ठीक है? सरकार ने महिला ई हाट लॉन्च किया है। क्यों किया है? वुमेन एम्पावरमेंट और जो वुमेन की टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाए, और जो भी उनकी आशा इच्छा उसको पूरी कर दिया जाए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? महिला उद्यमियों व स्व सहायता समूहों, सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित विनिर्मित बेचे गए उत्पाद को दर्शाने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा ई विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। मींस जो भी स्कीम, अगर कोई जो भी प्रोडक्ट कोई महिला बेचती है तो ई हाट पे जाके रजिस्टर कर सकती है, फिर उस और वो भी फ्रीली रजिस्टर कर सकती है, सरकार उसको प्रमोट करेगी और उसका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है? और वुमेन के लिए बारे में बात क्या की गई है? सरकार ने मिनिमम जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें चेंज किया है, उसमें सरकार ने 26 वीक कर दिया है, मींस 6 माह। और ये किसके लिए लागू किया है सरकार ने? 50 जितने ज्यादा एम्प्लॉय हैं, अगर किसी कंपनी 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहां पे वुमेन के लिए क्रेच की व्यवस्था हो जाएगी। क्रेच क्या है? जहाँ पे माएं जो भी नई अगर माँ बनी है तो जाके दूध पिला सके, और दिन में उनको वहां पे 4 बार जाने की परमिशन देनी ही पड़ेगी हर कंपनी को, ठीक है? ऐसा नया जो एक्ट है उसमें चेंज किया गया है। और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, इस पे बात करते हैं। एक आईपीयू आपको पता होगा, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, उसकी रिपोर्ट में बोला गया है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत कम है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है कि 64 MP इस टाइम लोकसभा में है और 27 वुमेन MP राज्यसभा में है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, उतना कुछ जरूरी हमारे लिए नहीं है इसलिए हम उसमें फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कंपेरिजन दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पुरुषों और महिलाओं को राजनीति में आने से रोकने वाले शीर्ष 5 कारण, कि पुरुष और महिला को जो रोकते हैं दोनों को राजनीति में आने से कौन से 5 कारण हैं। तो महिला के लिए है कि घरेलू जिम्मेदारी, दूसरा है परिवार से समर्थन की कमी, तीसरा है विश्वास की कमी, चौथा है फाइनेंस की कमी अर्थात पैसे की कमी, ठीक है? और क्या है? समाज में महिलाओं की भूमिका संबंधी प्रचलित सांस्कृतिक नजरिया, कि जो वुमेन को सिर्फ घर में काम करना चाहिए ऐसा होना चाहिए,
ये इकोनॉमिक सर्वे में रीजन दिया गया। और पुरुषों को क्या रुकता है वो भी देखते हैं। निर्वाचक वर्ग से समर्थन की कमी, मीन्स जो इलेक्टोरल है वो कम वोट देते हैं पुरुषों को। मीन्स अगर कोई फेमस खड़ा रहेगा उसके सामने कोई कॉमन मैन खड़ा रहेगा, कॉमन मैन को वोट कम मिलेगा। दूसरा पैसे की कमी, ये तो महिला और पुरुष में कॉमन है, ठीक है। और राजनीतिक दलों से समर्थन की कमी, ठीक है। और क्या है, विश्वास की कमी, ये तो विश्वास की कमी। और क्या है, प्रतिनिधि कार्य भाषण देने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अनुभव की कमी, मीन्स कम पॉलिटिकल पार्टीज या कम सोशल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दिया गया है। तो इसके साथ एक एक फिगर जो मुझे काम का लगा वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि उसमें अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाएगा तो लोग गेस तो रॉन्ग करेंगे। जैसे कि ये फैक्ट है कि राजस्थान और हरियाणा में जो एमएलए हैं वो सबसे टॉप पे हैं, वुमेन के नंबर्स राजस्थान हरियाणा और बिहार में सबसे ज्यादा है, जबकि इन प्रदेशों में ये माना जाता है कि वुमेन की कंडीशन खराब है। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री की बात करते हैं। बिहार और नंबर वन 14%, हरियाणा इज ऑन 30% ऑन नंबर टू, एंड राजस्थान विद 12% ऑन नंबर थ्री, जबकि बोला जाता है कि यहाँ पे वुमेन की कंडीशन खराब है। तो ये विरोधाभासी नजरिया है, इसलिए ये मुझे जरूरी लगा, इसको मैंने हाईलाइट किया है। और आईपीओ ने और भी बहुत सारे बातें की गई है कि आईपीओ द्वारा किए गए महिला और पुरुषों के सर्वेक्षण में महिला और पुरुषों को राजनीति में आने से रोकने वाले कारकों में अंतर मुख्य रूप से दर्शाया गया था, जो कि ऊपर एक कंपैरिजन के फॉर्म में दिया है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। अब पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है वो देखते हैं, ठीक है। और ये पॉलिटी का थोड़ा पार्ट है, इकोनॉमिक्स में आया है, देखिएगा, ठीक है। कि आर्टिकल 243 में ये बोला गया है कि वुमेन के लिए वन थर्ड सीट जो लोकल लेवल पे है उन वहां पे रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और आर्टिकल 243 और सब सेक्शन 4 में ये भी बोला गया है कि जो पंचायत के अध्यक्ष हैं वहां पे भी 1/3 मीन 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। अब इसके अतिरिक्त क्या है, नेतृत्व विकास और ग्राम स्तर पर महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए महिला शक्ति केंद्र स्कीम प्रारंभ की गई है, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने इसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया। ये देखिए कि महिला शक्ति केंद्र स्कीम, ये है क्या, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करना है, और भी कहाँ पे, गांव के लेवल पे, इसलिए महिला शक्ति केंद्र स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। और क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिला उनके लिए नई रश्मि एक नया प्रोग्राम चालू किया गया, जो माइनॉरिटी की जो वुमेन है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको एम्पावरमेंट के लिए, क्वालिटी में लाने के लिए नई रश्मि एक स्कीम चालू की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है, बाकी कितने कौन से स्टेट में है पंचायती राज में महिलाएं, वो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है ग्राम पंचायत और सिटी दोनों का, ठीक है। अब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में देखिए एसडीजी 3 में क्या बोला गया है हेल्थ में, कि सभी आयु के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और स्वस्थता को बढ़ावा देना धारणी विकास एसडीजी 3 के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये एसडीजी 3 में बोला गया है, एसडीजी में पॉइंट नंबर 3 पे। अगर वापस एसडीजी पे किसी को डाउट आया तो लेक्चर 2 देखिए, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी मैंने अच्छे से किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ डेटा दे के बताया है कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर और फार्मेसीज में क्या हालत है, वो डेटा हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट पूरा इसमें बोलना चाहता है कि लोग अपने पॉकेट से हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसको कम करने की ज़रूरत है। लोग इंश्योरेंस खरीदें, इंश्योरेंस से पैसा जाए, अपने पॉकेट से लोग खर्चा करना बंद करें, इससे क्या होगा, इससे लोगों के पैसे बचेंगे और इंश्योरेंस वाले को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर 1000 लोग इंश्योरेंस खरीदे उसमें 10 लोग बीमार पड़ेंगे, 90 नहीं पड़ेंगे, ठीक है। जो 90 का इंश्योरेंस का पैसा रहेगा बाकी वो काम आ जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज 10 लोग ही अगर बीमार पड़े, किसी ने इंश्योरेंस नहीं लिया, 2.5 लाख का खर्चा हो गया एक एक को,
25 लाख रुपए उन लोग को लाना पड़ेगा अचानक से, कहाँ से लेके आएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए सरकार बोलती है कि अपने जेब से खर्चे करना बंद करो, इंश्योरेंस खरीदो और इंश्योरेंस से खर्चे कराओ, ठीक है। तो सरकार हेल्थ सेक्टर में ये पूरा बोलना चाहती है, इसको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब इस हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार NHM मिशन की बात करती है, वो हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार ने वो लेके आई है। फिर राष्ट्रीय निःशुल्क औषध पहल, मीन्स जो गवर्नमेंट की फार्मेसी वहाँ पे चीप रेट में कम रेट में दवा मिल जाएगी। और सरकार ने कुछ चेंजेस किया है, जो फार्मास्यूटिकल एक्ट था कि उसमें कैसे डॉक्टरों को जो पर्ची पे लिखते हैं वो लिखना चाहिए, तो उसमें सरकार ने क्लियरली बोल दिया है प्रत्येक चिकित्सक को साफ साफ और तरजीह ही तौर पर स्पष्ट अक्षरों में जेनेरिक नामों के साथ औषध विहित करनी चाहिए, और वह सुनिश्चित करेगा कि औषध का औचित्यपूर्ण निर्धारण और प्रयोग हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में बोला, कितने डॉक्टर इसका पालन करते वो नहीं पता, कि क्लियर क्लियर वर्ड में लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी गोजामाजी कर दो और फिर दे दो, क्लियर वर्ड में लिखो, जेनेरिक नाम के साथ में लिखो, जिससे कि कस्टमर और सबको पता रहे, ठीक है। और यही रोगों का बोझ मैंने आपको बताया, DALY, ये है क्या DALY, ये है क्या, मीन्स डिसेबल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका कुछ होता है, मीन्स ऐसे ऐसे लोग जो कि एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट और मतलब किसी भी कंट्री के एसेट होते हैं, ठीक है, पब्लिक एसेट है। अब इसमें से कोई घायल हो गया या फिर कोई किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो पब्लिक एसेट का लॉस है, तो ये कितना लॉस है उसी को DLY बोला गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो बुकिश टर्म वो समझाने की कोशिश करता हूँ। DALY किसी विशेष कारण से असामयिक मृत्यु एवं असत्यता को व्यक्त करता है, और यह दो घटकों जीवन वर्ष हानि और असत्यता के साथ यापित जीवन वर्ष YLD से बना है। अब कितना समझा आपको वो नहीं पता, लेकिन जो मैंने इसके पहले समझाया वही उसको समझिए, कि एक्सीडेंट और डेथ से अगर कोई मर जाता है या फिर कोई परमानेंटली दिव्यांग बन जाता है या हैंडीकैप बन जाता है, अभी तो फिलहाल दिव्यांग है, दिव्यांग बन जाता है, तो कंट्री का कितना लॉस हो रहा है उसको DLY बोला गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे के लैंग्वेज बड़े भारी रहते हैं, इसको बहुत इजी लैंग्वेज समझे तो ही ठीक है। तो DLY का आगे पूरा बताया गया है, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, DLY का डेफिनेशन क्या है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है और नए नए भी सब बुक में ऐड हो जाएंगे DLY, तो फिर आप लोग भी इसको दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं न्यूट्रिशन की, ईयर 2016 में न्यूट्रिशन 14.6 था, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब और DLY मतलब लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है। आप अगर खराब खाना खाते हो और खराब हवा सांस के सहारे अंदर लेते हो, मतलब अगर आप किसी भी तरह से अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप इस कंट्री के एसेट्स हैं। सरकार ने वही इसमें बात की गई है कि मेल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, डाइटरी रिस्क, आप बराबर खाने नहीं खाते तो भी आप कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, टोबैको एंड अदर्स, ठीक है, इस तरह से आप कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो अगर इसमें से कुछ करते होंगे तो बंद कर दीजिए, ठीक है, ऐसा सरकार बोल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि इसको बंद कर सकते हैं। अब सरकार ने चाइल्ड और वुमेन के लिए क्या क्या स्कीम लेके आई, सरकार ने पूरा एक कच्चा चिट्ठा यहाँ पे दे दिया है। फर्स्ट है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंदर भी चार स्कीम है, एक आंगनवाड़ी सेवा है, दूसरा किशोरी कन्या योजना है, तीसरा शिशु रक्षण सेवा है, और चौथा है राष्ट्रीय शिशु सदन योजना। ये चार स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, इसमें क्या है,
6 वर्ष तक क्या है कि बच्चों को शिशु का समग्र विकास करना, मीन्स टिल ईयर एज ऑफ 6 तक, ठीक है, उतना ही। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये गवर्नमेंट ने स्कीम लेगा, इसमें महिलाओं को 6,000 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के साथ दिया जाएगा, और सॉरी 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना का दिया जाएगा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का 5,000 रुपये, इसलिए टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे, जिससे कि उनका जो काम पे नहीं जाने की वजह से लॉस हो गया वो मिल जाए, दूसरा न्यूट्रिशन वो खरीद सके क्योंकि वो असेट्स हैं। तीसरा है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, इसमें मैंने पूरा हाईलाइट करके रखा है, आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें सबसे मेन है कि इसका मेन टारगेट क्या है। इसका मेन टारगेट है अविकसित कुपोषित ताल्पता वाले, मीन्स कम कम ब्लड वाले, कम वजन पैदा हुआ जो बच्चा है वो, उन लोग का डेवलपमेंट करना इसका मेन टारगेट है। और ये कैसे करेगा, अनुवीक्षण सुनिश्चित करेगा मीन्स ऑब्जर्वेशन में, फिर नियत लक्ष्य प्राप्ति है तो सामायिक कार्रवाई के प्रति चेतावनी जारी करेगा, मीन्स किस सेक्टर में हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो सब करेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की गई है, ये भी एक खास स्कीम है, जिस क्योंकि ये वुमेन का कंडीशन इम्प्रूव करेगा और चाइल्ड का भी, क्योंकि धुएं किसी के अंदर नहीं जाएंगे। और इसमें क्या है, 2016-17 से लेकर 3 साल के अंदर, ये स्कीम 3 साल की, मैंने कल भी बताया था एनर्जी सेक्टर में स्कीम थी, आज वापस यहाँ पे रिपीट हो रही है। 3 साल तक गवर्नमेंट सबको कनेक्शन देगी और धुएं से सबको मुक्ति दिला देगी, LPG कनेक्शन देगी, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। और इसमें तो देखिए इतना कुछ इस चैप्टर में और ज्यादा इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। और एक न्यूट्रिशन वाला है, न्यूट्रिशन में गवर्नमेंट खुद ही इकोनॉमिक सर्वे में बोलती है कि लोग फास्ट फूड और बाकी सब ज्यादा खाते हैं, इसलिए लोगों की सेहत खराब हो रही है, कंट्री को नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि कम फल सब्जियां साबुत अनाज लेकिन अधिक नमक तेल वाले आहार शामिल है लोगों के खाने में, इसलिए अधिक तेल अधिक नमक और ये सब खाना बंद कर दीजिए और फल खाइए सब्जियां खाइए, इससे कंट्री आप फिट रहेंगे कंट्री फिट रहेगी, ऐसा गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में बोल रही है। और क्या है, पेयजल स्वच्छता, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बात किया कि पहले इसकी वजह से ज्यादा लोग बीमार पड़ते 1990 में, अब 2016 में लोग साफ सफाई रखने लगे, साफ पानी पी रहे हैं और साफ सफाई रख रहे हैं, इससे लोग कम बीमार पड़ते हैं। और आगे बात कर लेते हैं कि राज्य का परफॉर्मेंस कैसा है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने 2020 तक राज्य सरकार के बजट को 8% तक हेल्थ के लिए, जो राज्य सरकार का बजट है उसका 8% हेल्थ को जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन किया। कितने स्टेट मानते हैं और कितने नहीं वो स्टेट्स के ऊपर है। अब यहाँ पे AMR मीन्स एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाली बात कर लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है क्या, जैसे आपको सर्दी हुई आप दवा खाते जा रहे, दवा खाते जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो दवा आपके अंदर एक रेसिस्टेंस पैदा कर देगी जिससे दूसरी दवा असर नहीं करेगी, ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है, तो गवर्नमेंट ने इसमें वही बात की है और सरकार ने इससे निपटने के लिए यहाँ पे कुछ स्कीम भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा कार्यों में AMR के लिए राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने सहित एक श्रृंखला की शुरुआत की है। एंटीबायोटिक की विक्रय को विनियमित करने के लिए विनियमन शेड्यूल में अधिनियमित किया तथा एंटीबायोटिक के उपयोग हेतु राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को प्रकाशित किया गया है, ठीक है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए ऑब्जर्वेशन सिस्टम बनाना, फिर डॉक्टरों को एंटीबायोटिक का कम से कम यूज करना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिकमेंडेशन किया है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में आगे क्या करना चाहिए, हमारे देश के विशाल आकार, समस्या की गंभीरता और स्थिति पर की एक स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम कार्य रीति के तहत AMR की व्यापक रूप से निराकरण करने की जरूरत है ध्यान में रखते हुए और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एंटीबायोटिक के उपयोग के रूप में सभी स्तरों पर एक समन्वित दृष्टिकोण के जरिए इसका प्रभाव कार्यान्वयन अब मुख्य चुनौती है, जिसके लिए सभी राज्य सरकारों को राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
इसको ये सिर्फ मेंस में काम आएगा और बाकी कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं कि कितने स्टेट अब तक ODF मीन्स ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए, तो 8 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट यहाँ पे ऑलरेडी किया है, आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ पूरी तरह ODF मीन्स अर्थात ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं। अब यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री में जो मेन चैलेंजेस है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर नहीं होते तो क्या होता है। डायरिया होता है, कुपोषण होता है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना जरूरी है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का भी एक यहाँ पे डेटा है तो भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट काम की होती है। वर्ल्ड बैंक के आकलन के अनुसार स्वच्छता संबंधी सुविधा कमी की लागत भारत की जीडीपी के 6% से अधिक है। मीन्स अगर हम पूरी तरह साफ सफाई करने लगे हमारे देश की जीडीपी 6% बढ़ जाएगी। और फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द SBM इन इंडिया, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, मैंने सिर्फ इतना ही इसमें हाईलाइट किया क्योंकि ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यूनिसेफ जल्दी ऐसी रिपोर्ट निकालता नहीं, लेकिन निकाला है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ SBM इन इंडिया, ठीक है। अब आगे सरकार को करना क्या चाहिए, तो पूरी तरह मेंस के लिए कि जैसे कि नीतिगत संस्थागत पारिस्थितिकी समर्पित समावेशी विकास के सुदृढ़ीकरण को देशों, चाहे वे मंद गति विकास उच्च समानता का अनुभव कर रहे हो या दोनों से गुजर रहे हो, कि सर्वोच्च नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब बहुत सारा कुछ सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ये लास्ट का जो है वही काम आता है कि वे फॉर्मल सरकार को करना क्या चाहिए। तो इसके साथ में ये आज का ये लेक्चर खत्म होता है, और अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट या फिर कोई चेंजेस की जरूरत रहेगी तो फिर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आगे के लेक्चर मिलते रहे इकोनॉमिक सर्वे का, इसलिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।